नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए निकल के आ रही हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है जूनियर हाई स्कूल की भर्ती सूचना और एमएनआईटी में निकली हुई भर्ती सूचना। पहली बात आ रही है जूनियर भर्ती शिक्षक परीक्षा से। जूनियर भर्ती जो चल रही है उसमें जो स्टे लगा है वह मामला और गहन होता चला जा रहा है। 1 मार्च तक अभी रोक लगी हुई है, 1 मार्च तक का स्टे है, लेकिन जैसा कि वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, सुनवाई होना मुश्किल लग रहा है, जिसकी वजह से अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि फॉर्म 1 तारीख बाद भी आ जाएगा अथवा नहीं। देखिए, जैसा कि लिखा है, प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षक जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन करके लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया किए जाने की बात प्रदेश सरकार ने की। अब इसमें कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाई स्कूल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि यह जो है नियमावली में जो संशोधन किया है यह विधि सम्मत नहीं है। इसी को लेकर के मामला रुका पड़ा है और भर्ती प्रक्रिया भी उसी नाते रुकी हुई है। 1 तारीख को सुनवाई है किंतु हड़ताल भी है। अब इसके बाद क्या होगा, 1 तारीख को ही स्पष्ट किया जा सकता है। तो पूरा मामला आपके सामने है, जिसमें न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला ने 1 मार्च तक यथास्थित बनाए रखने की बात कही है, इसी का आदेश उसमें जारी हुआ। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकली एमएनआईटी से, उससे संबंधित लगभग 113 पदों पर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान MNNIT में भर्ती निकली है। और आप सभी इस भर्ती में जो भी योग्य उम्मीदवार हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान की ओर से जारी 113 पदों पर 40 अनारक्षित, 16 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। OBC की 29, 18 अनुसूचित जाति की तथा 10 अनुसूचित जनजाति की एवं दिव्यांग के 6 पद इसमें शामिल हैं और कुल 113 पद हैं। तो जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है संविदा की सभी भर्तियां अब सेवा योजना पोर्टल से। अब जो है प्रदेश स्तर राज्य स्तर की जो भी भर्तियां होंगी सेवा योजना कार्यालय के बेस पे होंगी संविदा वाली। संविदा की बहुत सी ऐसी वैकेंसियां थीं जो कि डायरेक्ट पहले हुआ करती थीं, अब इसमें वो सारे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तो संविदा से निकलने वाली जो भर्तियां हैं उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो सेवा योजना पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं रजिस्ट्रेशन करा लें, भविष्य में इसकी ज़रूरत आप सभी को पड़ने वाली है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक के पद जोड़ने को संबंधित अधिकारी से संपर्क करें या जी। यह कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, एक तरह से बात कही गई है। और यह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से TGT PGT की भर्ती में वे अभ्यर्थी जो संविदा के बेस पे चयनित होते थे उन्होंने रेगुलर अध्यापक के रूप में चयन की मांग की थी और उसी को लेकर के यह बात जो लखनऊ की खंडपीठ है उसने आदेशित किया है, उसने कहा है और स्पष्ट किया है कि आप संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें और इसमें यथाउचित जो भी आदेश होगा वही जारी करेंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कल जारी कर सकता है सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने BSc BA फर्स्ट ईयर को छोड़ करके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों ईयर की जो परीक्षाएँ हैं उसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब सेमेस्टर से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उसका कार्यक्रम कल आने की उम्मीद है। तो इस तरह से आप सभी सेमेस्टर अभ्यर्थी भी परीक्षा के लिए तैयारी में जुटे रहें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कम होते अवसर से तनाव में प्रतियोगी, SSC चयन बोर्ड से कम होते हैं पदों व भर्ती प्रक्रिया में
लगने वाले लंबे समय से निराशा आ रही है प्रतियोगी अभ्यर्थियों में और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है आज के समय के लिए। आप देखेंगे बहुत सी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जो कि रुकी पड़ी हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी की हो, 24 भर्तियों में लगभग 22 भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से छात्र काफ़ी परेशान हैं इन सारी भर्तियों को लेकर के। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 15 से 20 जून तक होगी। तो जो भी अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, JEE CUP.NIC.IN नामक जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 15 से 20 जून के बीच कराई जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 12वीं पास उम्मीदवार करेंगे आवेदन, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। इसमें लगभग 2380 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। अग्निक बिहार अग्निशमन सेवा महिला और पुरुष वर्ग के लिए। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 मार्च निर्धारित की गई है। जो शुल्क की बात करें 450 और 112 वर्गवार निर्धारित किया गया है। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।